नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। आज बात कांग्रेस के फॉर्मूला 5 की। जी हां, पुरानी टीम और नया प्लान, कुछ ऐसा ही है कांग्रेस के साथ। मध्य प्रदेश में दो चुनाव में हार का सामना कर चुकी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता निराश हैं। अब कांग्रेस इसके लिए एक नया प्लान लेकर आई है और वो है फॉर्मूला 5। इस फॉर्मूले के तहत युवा कांग्रेस, जल अभियान, पोस्ट कार्ड अभियान, मुद्दों पर आंदोलन, विधानसभा घेराव और सत्याग्रह करेगी। इसके जरिए जनता से सरकार ने जो वादे किए हैं उन तमाम वादों को कांग्रेस सरकार को याद दिलाएगी और इन वादों को पूरा करने के लिए प्रदेश की सरकार पर दबाव भी बनाएगी। कांग्रेस का नया फॉर्मूला क्या बनेगी बात? पुरानी टीम, नया प्लान, संगठन में फूकेगा जान। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पे, मंडल स्तर पे और विधानसभा स्तर पे जाके युवाओं की आवाज को बुलंद करेंगे और सरकार को जो उनकी जनविरोधी नीतियां हैं उसका आईना दिखाएंगे। आज कांग्रेस का अभियान, जनता ने दिखाया आईना। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा सा हुआ है, अब उनके जो भी अभियान है, जो भी उनके युवा अध्यक्ष है, जो भी नए अध्यक्ष है, वो कुछ भी कर ले, कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। की नई टीम और कितना इंतजार। युवा कांग्रेस ने 5 प्लान तैयार किए जिसके जरिए युवा कांग्रेस प्रदेश सरकार पर जनता से किए वादों को पूरा करने का दबाव बनाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जीतू पटवारी कब तक अपनी टीम बनाएंगे? क्या जीतू पटवारी अपनी नई टीम के जरिए संगठन में जान फूंक पाएंगे? आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में चर्चा इसी पर। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में खास मेहमानों से समझेंगे कांग्रेस के फॉर्मूला 5 को, साथ ही ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि फॉर्मूला कितना कारगर रहेगा। लेकिन उससे पहले महाडिबेट आज की किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, उन सवालों पर डालते हैं एक नजर। पहला सवाल रहेगा, युवा कांग्रेस का प्लान कितना कारगर रहेगा, ये रहेगा आज का पहला सवाल। पुरानी टीम तो फिर कैसे मजबूत होगी कांग्रेस, क्योंकि नई टीम अब तक नहीं बन पाई है। तीसरा और आखिरी सवाल रहेगा, चुनौतियां भरमार हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने, ऐसे में कैसे लगेगी नैया पार। और इन सवालों के इर्द गिर्द आज की महाडिबेट रहेगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कौन कौन जुड़ा हुआ है मेरे साथ इस महाडिबेट में, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। अब्बास हफीज हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अक्षय शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मृगेंद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और थोड़ी देर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी के मेहमान भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। पहला सवाल अब्बास आपसे ही मैं लूंगी कि नया प्लान कांग्रेस ने तैयार कर लिया है, लेकिन नई टीम का इंतजार सभी को है, कब तक बन पाएगी नई टीम? अब्बास आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद फ्रीज है अब्बास हफीज का सिग्नल भी, जो मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब्बास सुन पा रहे हैं आप हमें? ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ, लौटूंगी आपके पास। अब्बास, अक्षत जी आप इसे सवाल जान लेते हैं, सवाल का जवाब कि जो ये नए प्लान की बात कांग्रेस कर रही है, जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से कांग्रेस को जमीन तैयार करने के लिए सबसे पहले अपना संगठन खड़ा करने की जरूरत है। क्या आपको नजर आ रहा है कि कांग्रेस उसी दिशा में बढ़ रही है? अभी जो परिणाम आए हैं और उसके बाद में जो परिस्थितियां बनी है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। और जैसा कि आपका सवाल है कि क्या कांग्रेस उस दिशा में बढ़ रही है, वर्तमान में ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो प्रयास है आज का, जो आपका डिबेट का विषय है कि 5 जो टारगेट दिए गए हैं, सत्याग्रह करना, पोस्ट कार्ड बनाना, जन अभियान करना, विधानसभा का घेराव करना, जनता से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन करना, ये जो एक नए एक सुप्त प्राय कांग्रेस हो गई है चुनाव परिणामों के बाद में, उसमें एक नई जान फूंकने का प्रयास कांग्रेस जरूर कर रही है। लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, हरक्यूलियन टास्क है कांग्रेस अध्यक्ष के सामने
कि वो वापस से अपने कार्यकर्ताओं में अपने सभी समाज के सभी वर्गों में जो जहां पर कांग्रेस की पकड़ है उनमें एक नई जान फूके, उनमें उत्साह का संचार करे। पिछले दिनों हमने सुना कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ही नेतृत्व पे सवाल उठाए थे। इसमें अजय सिंह जी का बयान भी आया था कि जीतू पटवारी जी के कार्यकाल की समीक्षा होनी चाहिए। फिर उसके बाद लक्ष्मण सिंह जी का बयान भी आया कि उन्होंने भी कहा कि वो मार्गदर्शन लेने जाते हैं, लेकिन जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं वो इस स्थिति में है कि नहीं कि वो मार्गदर्शन दे सके। तो अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से ही इस तरह का बयान आएगा तो मेरे ख्याल से कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कठिन होगा अपनी टीम में उत्साह का संचार करना, उनको वापस से खड़ा करना। कांग्रेस का इतिहास जो है यहां पर काफी मजबूत रहा है, कई वर्षों तक मध्य प्रदेश में उनकी सरकार भी रही है, पिछले दिनों हम 15 महीने की सरकार भी रही थी, तो उसके बाद में लेकिन परिस्थितियां जो बनी है वो उनके लिए बड़ी निराशाजनक है और उनको खड़ा करना उनके लिए निश्चित रूप से काफी निराशा को खत्म करने के लिए ही यहां पर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। कांग्रेस अब ये कह रही है, देखना ये होगा कि किस तरह से रफ्तार रहती है इस प्रगति की। ठीक है, राजपाल जी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता है राजपाल सिंह सिसोदिया जी, स्वागत है आपका सर। थोड़ा सा देर से आप जुड़ रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, अभी एक ही मेहमान सवाल हुआ है। अब्बास, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? अभी सुन पा रहा हूं जी। अब्बास, सवाल यही है कि प्लान तो आपने, आपकी पार्टी ने मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए नया बना लिया है, लेकिन टीम कब तक नहीं बन पाएगी? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा पन्ना जी कि ये 5 बिंदुओं का कोई प्लान नहीं है, बल्कि हमारा प्लान तो ओवरऑल हर चीज को लेकर है। मुझे नहीं मालूम इसका क्या सोर्स है, मेरी मितेन सिंह जी से बात भी हुई यूथ कांग्रेस के, आज सबसे बड़ा विषय है यूथ कांग्रेस के सामने नरसिंह घोटाला। नरसिंह घोटाले को लेकर हम सरकार को यूथ कांग्रेस के माध्यम से, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में हर कदम पे घेरने वाले हैं। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हर जगह घेरेगा और नरसिंह घोटाले में हम किसी भी हाल में न्याय दिलवा के रखेंगे। बात आगे की मुद्दों की है तो जाहिर सी बात है हमारा तो काम ही है, पर ये फॉर्मूले जैसे ही चीजें शायद सार्वजनिक नहीं की जाती हैं तो अधिकृत तौर के ऊपर ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सरकार को हर मोर्चे पे घेरना है, जाहिर सी बात है। हमारी कमेटी बननी है, जो बनना ये पेंडिंग है जीपी पटवारी जी के नेतृत्व में, वही बहुत जल्दी सामने होगी। ये सरकार के लिए जितने घोटाले अब सामने आते जा रहे हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में लॉ ऑर्डर एक बड़ा विषय बन गया है, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में सबसे बड़ा गृह क्षेत्र कहें या शहर कहें उनका सबसे बड़ा सट्टा पकड़ाया गया है, उसके तार कहां कहां तक जुड़े हैं, तो क्या यूथ कांग्रेस, क्या NSUI, हमारी सारी इकाइयां, हमारे सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस और हमारी पूरी जो कमेटी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मितेन सिंह जी, NSUI के अध्यक्ष आशुतोष जी, इन सबके नेतृत्व में हम जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश की सरकार को हर मोर्चे के ऊपर घेरने को तैयार खड़े हुए हैं। वो विधानसभा हो, वो मुख्यमंत्री निवास हो, वो माननीय, वो उन मंत्रियों के घर हों जिन्होंने, जिनके नाम आज जो घोटालों की आज उनके नामों तक पहुंची है। हम ठीक है, मतलब आप हर मोर्चे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है, रणनीति पर काम कर रहे हैं और ये क्रिएटिविटी थोड़ी सी हमने दिखाई है जो फॉर्मूला 5 का हमने नाम दिया है, पहली बात। और दूसरी बात, लेकिन अब्बास ये मैंने पूछा नई टीम को लेकर क्या कहेंगे आप? मैंने आपसे कहा अपर्णा जी इस नई टीम को लेकर के नया, हमारी कमेटी, देखिए प्रदेश अध्यक्ष जी का चयन होता है और उसके बाद समय बहुत कम था, समय तो नई टीम बनाने का कोई समय नहीं था, हम लोकसभा के चुनाव में जा चुके थे। अब वो नई टीम जो है वो तो हर अध्यक्ष के साथ बनती है, रूटीन है, तो वो बहुत जल्दी सामने आएगी और वो हर एक जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के कोने कोने से उसमें लोगों को लिया जाएगा, अनुभवी भी होंगे, युवा भी होंगे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में नई रणनीति के ऊपर हम आगे जाएंगे और उस नई रणनीति का सिर्फ उद्देश्य यह है मध्य प्रदेश की जनता को न्याय दिलाना। ठीक है, राजपाल सिंह जी, कांग्रेस तो साफ कर दिया है कि चाहे कोई भी मोर्चा हो, जहां जहां सरकार नाकाम नजर आएगी वहां वहां सरकार को घेरेंगे, चाहे फिर पुरानी टीम हो नई टीम हो, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा हो जाएगा आपकी पार्टी के सामने। बताइए आप क्या करेंगे, आप कैसे निपटेंगे? देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है, उनका धर्म है, उनको निभाना चाहिए, पर दुर्भाग्य है कि कांग्रेस विपक्ष का धर्म भी नहीं निभा पा रही। उसका कारण है, और उसका कारण यह है कि कांग्रेस अभी वर्तमान में बहुत बड़े कंफ्यूजन से गुजर रही है। कंफ्यूजन कैसा, तो जीतू पटवारी को 6 महीने के लगभग बने हुए हो गए, वो आज तक अपनी वर्किंग कमेटी नहीं बना पाते और उनको सर्वमान्य नेता के रूप में मध्य प्रदेश का नेतृत्व तो स्वीकार नहीं कर रहा है।
अर्जुन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके सुपुत्र राहुल सिंह जी अजय भैया जो कि नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं पहले, वो ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर। सज्जन सिंह वर्मा देश प्रदेश के कद्दावर नेता रहे और पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने जीतू पटवारी जी की कार्यप्रणाली पे स्पष्ट जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के कहा था कि ये अनुशासनहीनता की कार्रवाई अगर कांग्रेस के लोगों पे विधानसभा चुनाव के बाद हो गई होती तो लोकसभा चुनाव में इतना बड़ी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता। तो कांग्रेस मतलब कंफ्यूजन है, कॉन्ट्रोवर्सी है, क्राइसिस है, ये लीडरशिप का क्राइसिस है, कंफ्यूजन है। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस युवा कांग्रेस के माध्यम से जनता के बीच में जाएगी। अरे भाई पहले ये तो तय करके मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विश्वास दिला दो कि जीतू पटवारी क्या अध्यक्ष बने रहेंगे, क्या उमंग संगार नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। जिस प्रकार के परिणाम आए 29 के 29 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाकर मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बुरी तरह नकारने का काम कर दिया। मध्य प्रदेश की जनता ने नहीं तो मतलब आप क्या चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जीतू पटवारी अध्यक्ष ना रहे? मैं नहीं चाह रहा हूँ, जो परिस्थितियां बन रही वो मैं बता रहा हूँ आपके माध्यम से कि कांग्रेस मतलब क्राइसिस, कांग्रेस मतलब कंफ्यूजन, अपने घर में झांक ले बेहतर होगा। आरएसएस क्या कह रहे हैं, खराब हो रही है। अरे भाई आप बोल रहे आप दो, आप दोनों पॉलिटिकल बहस कीजिएगा, लेकिन पहले मैं अपने एक और मेहमान को शामिल कर रही हूँ। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ कि कांग्रेस क्राइसिस में है, कंफ्यूजन में है, कांग्रेस क्राइसिस में है, कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। राजपाल जी ठीक है, आपका सवाल लेकर अब्बास जी के पास में जाऊंगी। ठीक है, आप लोग किसी भी क्राइसिस में नहीं है, आप लोग किसी भी समस्या में नहीं है, कंफ्यूज नहीं है। आप ये कह रहे हैं बीजेपी बिल्कुल सेफ है, यानी कि वो कुछ भी कर ले आप पर असर नहीं पड़ेगा आपकी सेहत पर। विपक्ष के धर्म निभाए साहब, उनको जो धर्म मिला है उस धर्म को निभाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। हाँ। ये सिर्फ बोलते हैं, जिबानी जमा खर्च है, ये करते कुछ नहीं है। जब सदन चलता है, जब ये सड़क पे रहते हैं, जब सड़क पे रहने की पारी है, जब सदन को घेरने की बात करते हैं। अरे भाई अभी लोकसभा, अभी विधानसभा का सदन आने वाला है 1 तारीख से, आप आइए करिए अपने। ठीक है, अब्बास आऊंगी आऊंगी इसी बात पर जवाब लूंगी अब्बास आपसे। लेकिन पहले मृगेंद्र सिंह जी, सर एक यहाँ पर सवाल मैं थोड़ा सा राजपाल जी की बात को आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहती हूँ। ठीक है नया, आप पूरी तरह से कांग्रेस अब बिल्कुल, क्योंकि रास्ता साफ है ना, अगले 3 कुछ साल चुनाव नहीं है किसी भी तरह के, तो कांग्रेस पार्टी वापस संगठन पर काम कर सकती है। जीतू पटवारी ने नैतिक जिम्मेदारी ली और कहा कि ठीक है जो हार हुई उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ये उन्होंने बतौर अध्यक्ष अच्छा एक कदम उठाया। लेकिन जो कांग्रेस के अलग अलग बड़े बड़े नेताओं के मुख से जिस तरह की बातें निकल रही है पार्टी नेतृत्व को लेकर, क्या नहीं लगता कि जमीन पर जो कार्यकर्ता काम करता है, जिस जो घर से बाहर निकलता है पार्टी के लिए, उसको भ्रमित कर देने वाली बातें हैं वो उसके आगे क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं आप? देखिए कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना कि यहाँ जो कार्यकर्ता जो संघर्ष करता है उसकी कोई पूंछ नहीं है। यहाँ अभी आप देखिएगा जो कार्यकारिणी घोषित होगी, चाहे युवा कांग्रेसी कार्यकारिणी हो, चाहे जीतू पटवारी जी कार्यकारिणी, और इन नेताओं के आगे पीछे चक्कर नेताओं के रिश्तेदार नेताओं से जिसकी सिफारिश कर देंगे उनकी पदस्थ उनको पद दे दिए जाएंगे। यहाँ जो संघर्ष कर रहा, आज भी जो कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, कांग्रेस पार्टी में उसकी पूंछ नहीं है। लगातार जो आप देखिए अभी कार्यकारिणी घोषित होने वाली है, तो मैं अभी घोषणा देख लीजिएगा, जो पीसीसी के चक्कर लगाते रहते हैं भोपाल छोड़ के नहीं आते, पद उन्हीं को मिलेंगे। अच्छा, क्योंकि जो स्थिति है कांग्रेस की, इतने धड़ों में, इतने गुटों में बटी हुई है कि एडजस्ट करने करने की जो कार्यकारिणी बनेगी तो देखिए कम से कम, लेकिन जीतू पटवारी एक युवा नेता है, दिल्ली से भी उन्हें पूरा आशीर्वाद प्राप्त है ही, तो आपको नहीं लगता कि इस बार वो एक नए तरीके से, नए विजन के साथ पार्टी के लिए काम करेंगे, संगठन के लिए काम करेंगे? देखिए निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी युवा नेता हैं, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे लंबे समय तक, उन्हें प्रदेश की एक एक जानकारी है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि पार्टी का हर नेता और हर कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले और उनका साथ दे। अब जो लगातार बयानबाजी होती रहती, चाहे वरिष्ठ नेता हों चाहे कनिष्ठ नेता हों, इस पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि ये बात सही है कि अगर कोई वरिष्ठ नेता बोलता है तो कार्यकर्ता जो जमीन में रहकर 24 घंटे सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ लड़ता रहता है उसको बहुत सारी कठिनाइयां झेलना पड़ता है, डंडे भी खाने पड़ते हैं। बिल्कुल, बड़ी बात तो यही है ना कि देखिए जो बड़े चेहरे होते हैं टीवी पर आकर बयान देकर चमक जाते हैं, सुर्खियां बटोर लेते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को जवाब देना होता है, क्योंकि वही घर घर जाते हैं पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए, पार्टी को के लिए मजबूती लाने में। अब बस राजपाल जी पर आपका जवाब, और एक और बात ये कि
किस तरह से जीतू पटवारी अपनी नई टीम खड़ा कर पाएंगे अगर जो कांग्रेस के वरिष्ठ हैं, सीजन्ड लोग हैं, जो वो इस तरह उनके खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने में लगे रहेंगे। कि मैंने तो किसी का कोई ऐसा बयान नहीं सुना सिवाय एक जो बयान इन्होंने यहाँ कोट किया, अजय सिंह रावल भैया का एक बयान इन्होंने कोट किया, उस बयान को मैंने सामने सुना था। उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करना भाजपा की आदत बन चुकी है। उन्होंने कहा था बीच से मत डिस्टर्ब कीजिएगा, पूरी बात बहुत बढ़िया कीजिएगा, चुप कर दीजिए। आज इनके यहाँ सटोरी पकड़े गए, उज्जैन से आते हैं, इन लोगों के भाजपा के संरक्षण में चलाने वाले सट्टा गए हैं, उस पर जवाब दे रहे हैं। कौन सटोरी पकड़े गए आपके शहर में, भाजपा की सटोरी कौन पकड़े गए हैं? बीच में आप मुझे राजपाल जी, मैंने आपको पूरी बेकार बातें सुनी, राजपाल जी मैंने आपकी बातें धैर्य सुनी थी ना, अब आप सुनिए ना, धैर्य को खो रहे हैं आप। गुवारी सटोरी पकड़े गए उन पर कार्रवाई कर रही है आपके शहर की। अब दूसरी बात, ये हमारे नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इनके मात्र संस्था आरएसएस रोज बयान दे रहा है इन पे, कभी इनको अहंकारी कह रहा है, कभी इनको मुद्दों से भटका हुआ कह रहा है, कभी इनमें नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहा है। वो आरएसएस क्यों आज इतना उगर होकर इनकी तरफ बोल रहा है, मुकर होकर इतना बोल रहा है, ये उसके ऊपर कोई बात नहीं कहेंगे। हमारे नेताओं के बयानों को तोड़ मरोड़ के बात करेंगे। विपक्ष में जनता ने अगर बैठने का जनादेश दिया है तो सत्ता चलाना भी जानते हैं और विपक्ष में बैठ के सत्ता से काम कराना भी जानते हैं। आपने जो अधूरे वादे किए तो उनको पूरा करवाएंगे। और आप अच्छा हुआ इस डिबेट में आए, मैं सवाल आपसे पूछ के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये कौन सटोरिए पकड़े गए आपके शहर उज्जैन में? आप तो मुख्यमंत्री के कद के वहां पे नेता रहे थे, उनके साथ के ही आप समकक्ष नेता रहे हैं। आपके शहर के ये संरक्षण कौन दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में महाकाल की नगरी के अंदर सट्टा चलाया जा रहा है? इतनी बड़ी संख्या के अंदर पैसों की वहां बरामदगी होती है, जवाबदेही किसकी बनती है? आपके और मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र का मामला है, पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। और इन तमाम मुद्दों पर हम आपको घेरेंगे और आपसे न्याय करवा के रहेंगे। राजपाल जी, निश्चित तौर पर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आप अपना धर्म निभाइए, हमें अच्छा लगेगा जब आप अपना धर्म निभाए। दुर्भाग्य तो यही है ना, सट्टे वाले तो पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर का सट्टा पकड़ा है हमने, बहुत बड़ी उपलब्धि है, पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर का सट्टा जो है, जो कि ऑनलाइन गेमिंग हो रहा था, उसको पकड़ के एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर था आपके और मुख्यमंत्री के शहर में। ये किसी के घर के अंदर से अगर ऑनलाइन चल रहा है उसको पकड़ने में हमारा इंटेलिजेंस है, ये हमारी पुलिस की सफलता है, पुलिस को इसके लिए साधुवाद देना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, हमने कोई संरक्षण नहीं दिया है, हमने पकड़ के जेल में बंद करने का काम किया है, ये काम हमने करके दिया है उज्जैन के अंदर। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप विपक्ष की भूमिका में है, अगर आप विपक्ष की भूमिका में है तो आप खड़े कर रही है धर्म का पालन कर पा रहे हैं क्या? क्या आपके नेता आज विपक्ष के धर्म का पालन करते हुए कहीं दिख रहे हैं क्या? नहीं है। कांग्रेस के नेता गायब है, आपस में गुटबाजी कर रहे हैं, अविश्वास कर रहे हैं हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे आपको हर संभव आज भी आए हैं। आपने लाइन चलवाई, आपने वोटर कमीशन चलवाए, उसके बाद भी हम पीछे नहीं हटे। और आरएसएस आपके बारे में क्या कह रहा है? नरेश कुमार का बयान आया अहंकारी बताया आप लोगों को, मोहन भागवत जी का बयान आया अहंकारी बताया आप लोगों को, आप उसके बाद भी नहीं समझ रहे? ये वही अहंकार है जो आपका आज का ठीक है। आप दोनों एक साथ लगातार बोल रहे हैं तो ओवरलैप हो रही है तमाम चीजें। मैं ये कह रहा हूँ ये अहंकार जो दिखा रहे हैं उसी पर आरएसएस रोज बयान दे रहा है। नहीं, अहंकार तो कोई ना ही दिखाए, क्योंकि अहंकार का जवाब जनता बखूबी देना जानती है। अक्षत जी, यहाँ पर सवाल यही, कांग्रेस का अहंकार का जवाब मिल गया, 29-29 हार गए, 163 से हम जीत गए अपने। अरे सर, राजपाल जी ठीक है वो हार गए 29-29 अहंकार के चलते, लेकिन ये भी सच है ना कि आपकी पार्टी ने भी पूरे रास्ते खोल दिए थे कांग्रेस को ज्वाइन करवाने के लिए। हर बूथ का गुणागणित लगाकर ही कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन कराया गया था, ये भी सत्य है। पूरी कैलकुलेशन कीजिए, वहां तारीफ करनी होगी आप लोगों के होमवर्क की, मानती हूँ ये बात, ठीक है। हमारा संगठन से प्रभावित होके, हमारी नीति नीति से प्रभावित होके, भाजपा पे विश्वास करके, मोदी जी की नीतियों के गारंटियों से प्रभावित होके, अगर अक्षय जी से सवाल मेरा, लाइए अक्षय जी को स्क्रीन पर।
सर यहाँ पर जो पूरी बयानबाजी से इतर जो हम अगर बात करें कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में वाकई लाजवाब प्रदर्शन किया, क्लीन स्वीप यहाँ पर कर लिया, तो इसे किस तरह से देखा जा रहा है? लगातार सवाल तो बीजेपी यहाँ पर भले ही अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन क्या कांग्रेस के अंदर जो फूट थी, कांग्रेस आवाम से कनेक्ट नहीं कर पाई, इसके चलते ये नतीजा आया है, या बीजेपी ने वाकई इतनी मेहनत कर दी कि 29 की 29 परचम लहरा दिया? बीजेपी की सबसे बड़ी शक्ति जो है वो उसका संगठन का तंत्र है, जो वर्षों से उनके जो वरिष्ठ नेता रहे हैं पूर्व में, उन्होंने अपने मेहनत से इस उनके संगठन की इस भूमि को सिंचित किया है और आज इस मजबूत स्थिति में लाके खड़ा किया है। उसकी जड़ें जो है वो बहुत गहरी है। ये सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है वो उनका संगठन तंत्र है। अभी जैसा मृगेन जी ने भी जिक्र किया कि कांग्रेस की तरफ से संगठन तंत्र पर उतना ज्यादा जोर नहीं है, लेकिन वहां पर गुटबाजी ज्यादा है। हर नेता का एक विशेष गुट है जो जिसको वो अपने गुट को वहां पर प्रधानता दिलाना चाहता है, किसी भी संगठन में, किसी भी कमेटी में या सरकार में। तो इसके आधार पर अगर वो अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसा उन्होंने 5 सूत्रीय फार्मूला जो लगाया है, उस फार्मूला 5 के जगह अगर उनको अभी यहां पर फार्मूला 1 की रेस लगानी पड़ेगी अगर भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलना है तो उसके लिए बहुत मेहनत उनको करनी पड़ेगी। और जिस युवा नेतृत्व में अभी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में है, उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। केंद्रीय नेतृत्व से भी उनको काफी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी और जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के यहां पर है उनको सबको एक स्वर में बात करनी पड़ेगी। अभी सबका स्वर जो अलग अलग जाता है वो कार्यकर्ताओं में एक कन्फ्यूजन पैदा करता है और वो आगे जाके एक जो मजबूत स्थिति कांग्रेस की बननी चाहिए उसमें बाधक साबित होता है। तो निश्चित रूप से यहां पर अगर कांग्रेस को अगर आगे बढ़ना है तो अपने संगठन तंत्र को बनाने के लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी इस मामले में तो कम से कम सीख लेनी चाहिए। मैसेज आना जरूरी है, एक स्ट्रिक्ट मैसेज आएगा हाईकमान से, आलाकमान से, कि किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं होगी, तो शायद जो बड़े हैं या छोटे हैं जहां सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, कम से कम वो मीडिया के आगे या कैमरे के आगे इस तरह की बयानबाजी से बचेंगे जो कार्यकर्ताओं को कंफ्यूज कर सकता है। मृगेंद्र जी, अक्षत सर की बात को अभी क्या कठिन है डगर पनघट की कांग्रेस के लिए? निश्चित रूप से पनघट की डगर बहुत बहुत ही कठिन है। देखिए, कभी किसी समय कांग्रेस का वोट बैंक बहुत कम होने की स्थिति में 40-42 के आसपास रहता था, लेकिन अब खिसक के 40 से काफ़ी नीचे आ गया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को बहुत ही संघर्ष की ज़रूरत है और उसके लिए सब नेताओं को एक होना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस का संगठन कभी मजबूत नहीं रहा। कांग्रेस गुटों में बटी पार्टी, बल्कि यहाँ इलाकेदार लोग क्षेत्र में कि कोई ग्वालियर चंबर का अलग नेता हो रहा, मालवा का अलग हो रहा, विंध्य प्रदेश का अलग हो रहा, बुंदेलखंड का अलग हो रहा, महाकौशल का अलग, इससे हटके सबको कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। कांग्रेस देखिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सबसे बड़ी खूबी है कि हर विधानसभा क्षेत्र या हर लोकसभा क्षेत्र में 10 दावेदार होते हैं टिकट के, लेकिन टिकट एक को मिलता है, उसके बाद कोई विरोध नहीं करता है। विरोध करता भी है तो कभी सामने नहीं आता है, चुपचाप क्षेत्र छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि इसको जिताना है या इसको हराना है। लेकिन कांग्रेस में इसके जस्ट उल्टा है, जिसको टिकट मिल गया अगर दूसरे को नहीं मिला तो उसका पहला लक्ष्य होता है किसी तरह इसको हराया जाए, चाहे उसके लिए भारतीय जनता पार्टी से मिल ले या और उसको जो कुछ करना पड़े। जब तक इस तरह के नेताओं आप उठा, और दूसरा संगठन का जो डंडे का डर होना चाहिए वो नहीं है। जिन नेताओं को अभी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, अगर 3 साल बाद 3.5 साल बाद स्थिति लगती है कि कांग्रेस थोड़ा सा मजबूत हुई है, अब देखिए बहुत सारे नेता दौड़ के फिर आ जाएंगे कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी उनको ले भी लेगी और आगे आगे लेके चल देगी। जो पिछले 3.5 साल से डंडे खा रहा, संघर्ष कर रहा, उसको कोई नहीं पूछेगा। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जब तक ग्राम पंचायत स्तर से, ब्लॉक स्तर से, बूथ स्तर से नेता उठ के आगे नहीं आएंगे, तो जो यहाँ नेताओं के चक्कर काटते रहते हैं गुट के, जिसके आधार पर उनको पद मिल जाते हैं, कल कुर्ता पजामा पहन के बैठक में पहुंच जाते हैं, पता चला 4 लोग भी नहीं है। आप जो कांग्रेस की पिछले कार्यकारिणी है उठा के देख लीजिए कितने लोग ऐसे हैं जो कभी सरपंच या पार्षद का चुनाव जीते होंगे, लेकिन वो बड़े बड़े पदाधिकारी बने हुए। कि मैं सबसे पहले ये कहूंगा अपर्णा जी कि आज हर एक व्यक्ति कहने कहता है और इस बात पर राजी है, सहमत है कि आज गुटों में बटी हुई भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी में 5 से 6 मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उन तमाम के गुट हैं। तो ये कह देना कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी में कुछ इस तरह का है, कांग्रेस में तो कम होता चला गया है।
और अब ना के बराबर आप कह दीजिए, मैं तो उदार होके बोल रहा हूँ कुछ होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिसकी स्थिति है वो दयनीय है और बढ़ता जा रहा है। गुटबाजी से नुकसान सत्ता पक्ष में अगर होता है, गुटबाजी की कीमत किसको चुकानी पड़ती है? आप दोनों ही पार्टियों के नेता हैं, राजनीति करते आ रहे हैं, आप बखूबी समझते होंगे। बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। इतना ही समय था मेरे पास मध्य प्रदेश की महाडिबेट में। हालांकि कांग्रेस दावा यह कर रही है कि लगातार वो तैयारी कर रही है संगठन को वापस से खड़ा करने की, कितना खड़ा कर पाती है इस पर भी आपको सबसे पहले हर सटीक जानकारी यहीं देखने को मिलेगी। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।